तो जो आपने थंबनेल में मेरे सवाल पढ़ा है कि क्या डिलीवरी हुआ 50,000 रुपए कमा सकता है, तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों आज हम अमेज़न के एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करने जा रहे हैं, या ये कह लें कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है अमेज़न फ्लेक्स डिलीवरी पार्टनर। दोस्तों हालांकि हम जिस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक हम जरूर देते हैं, उसी तरीके से हमने इस प्रोग्राम के ऊपर भी जितनी इन्फॉर्मेशन है सारी देने की कोशिश करी है, और साथ में इसके अंदर जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बेहतरीन जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो पहला पॉइंट ये कि आखिर अगर आप इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ जाते हैं तो 30 दिन के अंदर यानी एक महीने में आपको कितनी मैक्सिमम इनकम होने जा रही है, और नंबर टू पॉइंट कि अगर आप ये प्रोग्राम के साथ में जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होने जा रहे हैं या नुकसान होने जा रहे हैं, क्या इस प्रोग्राम के प्रोज हैं, क्या इस प्रोग्राम के कॉन्स हैं, क्या ये आपके लिए फायदे का सौदा है, क्या ये अच्छा है या ये बुरा है, क्या आप इसके साथ में पार्ट टाइम जॉब करें या आप इसको फुल टाइम भी एडॉप्ट कर सकते हैं, क्या ये आपके लिए एक बेहतरीन कैरियर बन सकता है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कहीं आप वीडियो के उसमें बहाव में बह ना जाएं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अभी, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ में एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सारे सवालों के जवाब आपके दे दूं। और दोस्तों साथ में एक चीज आपको मैं और बताना चाहता हूं, अमेज़न की सीरीज पर ये मेरी फोर्थ वीडियो है। अगर आपने अभी तक मेरी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें सबसे पहली जो वीडियो थी मेरी अमेज़न डिलीवरी पार्टनर यानी अमेज़न की डिलीवरी फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, तो वो आप जरूर वॉच कीजिएगा, उस पर आपका भरपूर प्यार मुझे मिला है। और साथ में जो सेकंड जो वीडियो थी वो मेरी ये थी कि अमेज़न इजी स्टोर आपको कैसे और किन इलाकों में मिल सकती है, और नंबर थर्ड जो वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों अमेज़न के ऊपर कि अमेज़न सहेली प्रोग्राम क्या है। तो ये तीनों वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हैं। आप देखिए आपने कितना प्यार दिया है और आपको कितनी वीडियो ये पसंद आई है। जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज आप जरूर वॉच कीजिएगा, हो सकता है शायद ये वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी आपके काम आ सके। तो दोस्तों चलिए देरी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को इसको शुरू करते हैं, तो चलिए लेट्स ग्रो टुगेदर। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स। फ्रेंड्स हम अपने चैनल पर नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों इस टॉपिक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने 6 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर की है। जो पहला जो पॉइंट है वो दोस्तों ये कि अबाउट अमेज़न फ्लेक्स डिलीवरी यानी ये प्रोग्राम आखिर है क्या। नंबर टू पॉइंट है इसका कि हाउ इट वर्क्स यानी किस तरीके से अमेज़न फ्लेक्स डिलीवरी का प्रोग्राम ये काम करता है। नंबर थर्ड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगी अगर आप इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट के इनकम कितनी होने जा रही है आपको 30 दिन के अंदर, मैक्सिमम कितना पैसा आप कमाएंगे। नंबर फिफ्थ पॉइंट हम एनालिसिस करेंगे क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, यानी क्या इसके नफा हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और लास्ट में हम बताएंगे आपको आप किस तरीके से जाकर इसकी वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि अबाउट अमेज़न फ्लेक्स डिलीवरी प्रोग्राम। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में यूएस से हुई थी और ये 2019 में इंडिया में लॉन्च हुआ था, और जून 2020 तक आते आते ये जो प्रोग्राम है हमारे पूरे हिंदुस्तान में लगभग 35 शहरों तक इसका नेटवर्क फैल चुका है। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की कि हाउ इट वर्क्स ये किस तरीके से काम करता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी कोई ग्राहक अमेज़न की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो प्रोडक्ट उसके बाद पहुंच जाता है अमेज़न के खुद के डिलीवरी पॉइंट पर। अब अमेज़न के डिलीवरी पॉइंट पर जब वो प्रोडक्ट पहुंच जाता है उसके बाद में वहां से कलेक्ट करने के लिए जरूरत पड़ती है डिलीवरी बॉय की। अब ये जो डिलीवरी बॉय है यही फिट होते हैं अमेज़न फ्लेक्स डिलीवरी प्रोग्राम में। इनका काम बेसिकली क्या होता है कि डिलीवरी सेंटर से वहां से उन्होंने प्रोडक्ट उठाया, उसके बाद में उसको एक स्टिपुलेटेड टाइम में जाके कस्टमर के घर तक पहुंचा दिया। अब यहां पे एक चीज समझने वाली वो ये है कि इस प्रोग्राम का जो एक यूनिक जो पॉइंट है, जो एक यूनिक कॉन्सेप्ट वो ये है कि ये जो है प्रोग्राम इसमें आपको कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। ये आप अपनी मर्जी से इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं, इसके अंदर आपको पूरी आजादी है
काम करने की, और साथ में जो सबसे जो बड़ा जो इसका पॉइंट वो ये है, इस प्रोग्राम के सफल होने की भी मैं बात बता दूं आपको, क्यों इतना सक्सेसफुल हो रहा है ये प्रोग्राम, क्योंकि जो सबसे मेजर जो इसके अंदर जो बेनिफिट वो ये है कि पहला तो आपको अपने हिसाब से अपना टाइम मिलेगा कि जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को जो है डिलीवर कर सके, यानी आपको पूरे दिन में 2 घंटे 4 घंटे या 8 घंटे के स्लॉट्स मिलेंगे और आप अपनी मर्जी से कोई भी स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। और इसमें एक चीज और बढ़िया है कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया ही दिया जाएगा जहां पर आपको प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं। तो ये है बेसिकली अमेजन फ्लेक्स डिलीवरी प्रोग्राम। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके थर्ड पॉइंट की कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है अगर आप इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ते हैं, तो क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो आपके पास में होनी चाहिए। सबसे पहला, आपकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और साथ में आपको एक LMB ड्राइविंग लाइसेंस यानी एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। नंबर टू, आपको एक टू व्हीलर जरूरी है प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, साथ में उसकी ओरिजिनल RC आपके पास में होनी चाहिए यानी उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, साथ में उसका इंश्योरेंस आपके पास में कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपको उसका पॉल्यूशन जो है वो भी सर्टिफिकेट आपको जरूरी चाहिए होगा एज ए डॉक्यूमेंट की अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं। उसके बाद में जो नंबर थर्ड पॉइंट है, आपके पास में एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए 6.0 वर्जन का, यानी जिस पर आपका GPS जो है वो काम कर सके। उसके साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास में पैन कार्ड जरूरी है आपका एज ए आइडेंटिटी। लास्ट जो पॉइंट है वो ये कि आपके पास में अपना एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो चाहे वो करंट अकाउंट हो, ताकि जो भी पैसा आपको मिलेगा वो आपके सीधे अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो ये 5-6 रिक्वायरमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी के जिसको आपको जरूरी है फुलफिल करना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की कि इनकम आपको कितनी होने जा रही है मंथली। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अमेजन फ्लेक्स प्रोग्राम में 120 रुपए से लेकर 140 रुपए प्रति घंटा जो है आपको मिलता है काम करने के लिए। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मान लीजिए आपको 140 रुपए पर आवर के हिसाब से मिलता है और अगर आप मान लीजिए 8 घंटे पर डे का स्लॉट अगर आप पकड़ लेते हैं, तो एक दिन में अगर मान लीजिए आप 8 घंटे पूरा काम करते हैं और आपको 140 रुपए पर घंटे के हिसाब से अगर आपकी इनकम होती है, तो आपको दिन में मिलते हैं लगभग 1120 रुपए। यानी एक दिन में अगर आपने पूरा 8 घंटे काम किया और आपने सारे प्रोडक्ट्स डिलीवर किए ढंग से, अगर आपने काम किया, तो आपको कितने मिले? 1120 रुपए। अब जो है अगर मान लीजिए आप 30 के 30 दिन अगर आपको 8 घंटे का पूरे स्लॉट्स अगर आपको मिल जाते हैं, तो एंड ऑफ द मंथ आपकी जो इनकम होगी वो होगी 33,600 रुपए। जी हाँ, यानी आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए 8 घंटे से ज्यादा आप काम कर नहीं पाएंगे, और 8 घंटे के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपको जो इनकम होगी वो मंथली वो होगी 33,600। तो जो आपने थंबनेल में मेरे सवाल पढ़ा है कि क्या डिलीवरी हुआ 50,000 रुपए कमा सकता है, तो नहीं दोस्तों, नहीं कमा सकते आप। आपकी जो मैक्सिमम इनकम होगी वो होगी 33,600, जो कि आपको बिना छुट्टी किए काम करना होगा और बशर्ते आपको सारे स्लॉट्स अगर आपको मिल जाते हैं। तो थंबनेल का जो क्वेश्चन था उसका जवाब आपको इस स्लाइड्स में मिल गया होगा। दोस्तों अब जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरी इस वीडियो का, वो है एनालिसिस ऑफ प्रोज एंड कॉन्स, यानी नफा और नुकसान का जरा तराजू बना लेते हैं और तराजू में जरा तोल लेते हैं इस प्रोग्राम को। तो हम बात करते हैं पहले इसके प्रोज की, यानी क्या क्या इसके फायदे हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है कि बी योर ओन बॉस, यानी आप अपने खुद के बॉस हैं। अगर आपकी मर्जी है तो आप काम करें, नहीं है खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, काम तो देखो हर एक किसी को करना चाहिए, तो बी योर ओन बॉस यानी अपनी मर्जी से काम करें, कोई आपके ऊपर डंडा फेरने वाला नहीं है। नंबर टू पॉइंट कि आपको फिक्स्ड इनकम है आपकी, कोई वेरिएबल नहीं है, आपको 120 रुपए से लेके 140 रुपए पर घंटे के हिसाब से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद में जो थर्ड जो इसका प्रोज है वो ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, यानी आपका अगर मन करता है, अगर आपको सुबह का स्लॉट लेना है आप सुबह का स्लॉट ले सकते हैं, आपको इवनिंग का स्लॉट चाहिए आपको इवनिंग का स्लॉट मिल सकता है, यानी टाइमिंग की फ्लेक्सिबिलिटीज हैं। उसके बाद में जो अच्छा जो इसका सबसे पहला पॉइंट है, हमारे इंडिया में अभी ये कल्चर नहीं है कि आपको वीकली पेमेंट मिले, तो अमेजन में आपको हर हफ्ते पे आउट मिलेगा, यानी हर हफ्ते आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जितना आपने काम किया होगा। उसके बाद में आपको इंश्योरेंस मिलेगा 5,00,000 रुपए का, बिकॉज जैसे आप मान लीजिए उनके लिए काम करेंगे, आप रोड पे रहेंगे, खुदा ना खास्ता कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कुछ भी हो जाता है तो आपको 5,00,000 रुपए का इंश्योरेंस कवर आपका मिलेगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके बाद में दूसरा,
जो दूसरा नहीं लास्ट जो इसका प्रॉज है वो ये कि कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, किसी तरीके के ऑफिस की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद के मालिक हैं। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि इसके बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की, यानी क्या क्या इसके अंदर में ऐसी चीजें हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो सबसे पहला, इसके अंदर कोई फिक्स्ड सैलरी आपको नहीं मिलेगी। नंबर टू, आपको पेट्रोल का यानी कन्वेंस का किसी तरीके का कोई पैसा नहीं मिलने वाला, और कोई बाइक के मेंटेनेंस का भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, इसके अंदर में कोई निश्चित कैरियर भी नहीं है, यानी हम कहें कि कोई भविष्य आप बना सकते हैं इसमें, यह आपका अपना सोचना होगा, मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा। और दूसरा, आपको ग्रोथ करने के चांसेस इसमें मुझे नजर नहीं आए कि क्या इसमें ग्रोथ मिलेगी, तो यह भी डिसीजन आपका रहेगा। उसके बाद में जो पॉइंट है कॉज में इसमें, वो है प्रेशर ऑफ टाइम, यानी आपको कुछ घंटे के, जो आपको घंटे दिए जाएंगे लिमिटेड आवर्स में ही आपको वो सारे के सारे पार्सल डिलीवर करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्लॉट। देखिए, आपको जो स्लॉट्स मिलते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप जब भी उसमें जब भी स्लॉट्स आए और आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है, बहुत से लोग होते हैं जो कि उसमें स्लॉट्स के लिए अप्लाई करते रहते हैं, तो अवेलेबिलिटी भी स्लॉट्स की वो जल्दी से नहीं मिल पाती है। जब काफी पीक टाइम होता है, जब आपको जरूरत होती है, तो वो भी स्कार्सिटी रहती है। उसके बाद में आपको ये नहीं पता होता कि आपको कितने बड़े एरिया में और कितने पैकेट्स डिलीवर करने होंगे। ये कोई फिक्स नहीं है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको 2 घंटे के स्लॉट मिले हैं तो 2 घंटे के स्लॉट में सिर्फ आपको 3 ही पैकेट मिलेंगे। वो बाई चांस होता है कि आपको 3 या 4 पैकेट मिल जाएं, कई बार आपको 20-20 पैकेट भी मिलते हैं डिलीवर करने के लिए। और ये जो है, कई बार एरिया ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, मतलब मान लीजिए कि कोई 1 किलोमीटर दूर है, फिर कोई 500 मीटर दूर है, फिर कोई 600 मीटर दूर है, इस तरीके से स्कैटर्ड एरिया में जो है पार्सल्स मिलने की पूरी संभावना रहती है। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो लास्ट जो इसका पॉइंट है वो ये कि बहुत बार होता है कि टू मैनी डिलीवरीज मिल जाती हैं, यानी इतने सारे पैकेट्स मिल जाते हैं डिलीवर करने के लिए कि आप खुद थक जाते हैं, और आपको ये कंस्ट्रेंट रहता है और ये आपके दिमाग में चलता रहता है कि यार मैं कैसे इस पैकेट्स को, इतने पैकेट्स को इतने कम टाइम में डिलीवर करूं। तो ये सारे कुछ कॉन्स हैं इसके, तो एनालिसिस मैंने आपको ये बता दिया है, डिसीजन आपने लेना है। तो देखिए, हर एक जगह होता है, हर एक धंधे में होता है, कहीं पे प्रॉस होते हैं, कहीं पे कॉन्स होते हैं, तो डिसीजन अल्टीमेटली हमें लेना होता है अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि हम वो काम कर सकते हैं। तो ये डिसीजन मैंने आप पर छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, यानी किस तरीके से हम इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए इसके लिए और किस तरीके से काम करता है और क्या इसके प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं। अब लास्ट में चलिए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं और वहाँ पर जाके ही अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आप पहुँचे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जैसे ही हम अपना गूगल खोलेंगे क्रोम, और यहाँ पे हम डाल देंगे अमेजन फ्लेक्स। अमेजन फ्लेक्स डालते ही सबसे ऊपर वेबसाइट आ जाएगी फ्रेंड्स अमेजन फ्लेक्स की। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेक 120-140 रुपीज पर आवर डिलीवरिंग पैकेजेस विद अमेजन, ऑल यू नीड इज एन एंड्रॉयड फोन एंड सम फ्री टाइम। अब यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपका पहला फर्स्ट नेम इनिशियल आपका, उसके बाद में आपका लास्ट नेम, देन किस सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, पिन कोड, और साथ में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और व्हीकल इंफॉर्मेशन। आप अपने टू व्हीलर की इंफॉर्मेशन दीजिएगा, यानी टू व्हीलर आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, और उसके बाद आप गेट ऐप पे क्लिक कर दीजिएगा, फिर वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उस प्रोसेस को फॉलो अप कर लीजिएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे इस प्रोग्राम के साथ में जुड़ने के। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा फ्रेंड्स, और साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा। हाँ जी, क्योंकि मैं अपनी वीडियो इस चैनल पर इस तरीके के नए नए बिजनेस वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ, ऐसे नए नए आइडियाज़ लेके आता रहता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।